राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है विज्ञान शिक्षा पर आधारित ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला ज्ञान विज्ञान। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कार्यक्रम एक बड़ी जीत। बच्चों की छुट्टियां हैं। तनु अपने नाना जी के पास आई हुई है। नाना जी के साथ रोज सैर सपाटा मौज मस्ती का दौर चलता है। नाना जी शहर के जाने माने डॉक्टर हैं, अब रिटायर हो चुके हैं और घर पर ही सुबह शाम मरीज देखते हैं। इस समय तनु जीवन काका और नाना जी के साथ बाजार जा रही है। नाना जी। हाँ बेटा। हम सैर करने जा रहे हैं या सामान लेने? क्यों जीवन? भाई मैं तो सब्जी लेकर वापस चला जाऊंगा। सब्जी लेकर? बेटा तुम्हारी नानी ने सब्जी लाने को कहा है। उनका कहना है उनकी नक चढ़ी नातिन के लिए एकदम हरी हरी ताजी सब्जियां लाई जाए। तो मैं नक चढ़ी हूँ? बेटा ये मैंने नहीं कहा, तुम्हारी नानी ने कहा है। झूठ, नानी मेरे बारे में ऐसा कह ही नहीं सकती। आपने उनकी बात में जरूर नमक मिर्च लगाया है। अरे बेटा सब्जी में मसाले तो डालने ही पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने जीवन। अच्छा तो फिर सीधे चलते हैं खेत में, वहीं से लेकर आएंगे ताजी सब्जियाँ। चलो। लेकिन बेटा जरा ठहरो तो। अरे अरे इधर देखो, इस बूढ़े आदमी के पैर में तो चोट है। अरे जीवन तुम जरा घर से मेरा सामान का बैग लेकर के आओ। तनु बेटा जरा इधर आओ, तुम मेरी मदद करो। अच्छा बाबूजी मैं अभी लेकर आया। ठहर ठहर इधर करो, आगे करो पैर। हाँ दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है। सामने फुटपाथ पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके पैर पर एक घाव था और उस पर पट्टी नहीं बंधी थी। तभी थोड़ी ही देर में जीवन काका नाना जी का दवा पट्टी का बैग लेकर आया। ये लीजिए। लाओ लाओ मुझे दो। तनु जरा इसमें से रुई निकालो। ये ठीक है। अरे जरा पैर आगे को करो। हाँ नहीं नहीं देखो अभी दो दिन में ठीक हो जाएगा। चलो साफ कर लें तो मुझे। हाँ तनु पकड़ना जरा इधर से। अब दो एक दिन में ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अरे नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। उधर चलो। डॉक्टर साहब ने उस बूढ़े आदमी का घाव साफ किया, फिर दवा लगाकर पट्टी बांध दी और कहा अगले दिन घर पर आकर पट्टी बदलवा लें। फिर सैर के बाद जब तनु और नाना जी दोनों घर पहुंचे तो तनु ने कहा, नाना जी। बेटा आपने बहुत अच्छा किया कि उस आदमी के पट्टी बांध दी, नहीं तो इन्फेक्शन हो सकता था। हाँ बेटा इन्फेक्शन यानी संक्रमण तो हो ही सकता है जी, इसलिए बेटा घाव को कभी खुला नहीं रखना चाहिए। बेटा इससे बैक्टीरिया जैसे रोगाणु शरीर में जाकर बीमारी को बढ़ा सकते हैं। ओ। और हाँ इससे मुझे याद आ रही है एक कहानी। अरे वाह, एक और मजेदार कहानी। हाँ आज तुम्हें एक खास कहानी सुनाएंगे हम। मेरे दोनों कान खुले हुए हैं तो शुरू कीजिए नाना जी। तो सुनो। बात अगस्त सन 1865 की है जी, और देश पता है कौन सा था? स्कॉटलैंड। हाँ स्कॉटलैंड में ग्लासगो विश्वविद्यालय जी। ठीक है जी। शल्य चिकित्सा यानी
सर्जरी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर लिस्टर कमरे में बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। पिछले कुछ वर्षों में सर्जरी के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन देखे थे डॉक्टर लिस्टर ने। अच्छा। लेकिन सफल ऑपरेशन के बाद भी कई बार रोगी की स्थिति बिगड़ जाती थी। घाव सूज कर लाल हो जाता था, फिर उसमें मवाद पड़ जाता। अच्छा। और इन्फेक्शन फैलने से कई रोगियों की मृत्यु तक हो जाती थी। तो डॉक्टर लिस्टर इस स्थिति से परेशान थे। अच्छा। वो जानना चाहते थे कि रोगी के घाव में मवाद क्यों पड़ जाता है। अच्छा। हाँ, इतना वो जान गए थे कि घाव में मवाद पड़ने और रोगी के शरीर में इन्फेक्शन का जहर फैलने के बीच एक गहरा संबंध है। अच्छा। हाँ बेटा, और इन्हीं दिनों उन्होंने लुई पाश्चर का एक लेख पढ़ा। क्या लेख था वो नाना जी? उसमें था वो फ्रांस में ना अंगूर के रस से शराब बनाई जाती थी। अच्छा। और कभी कभी अंगूर के रस में सड़न पैदा हो जाती थी। लुई पाश्चर ने खोज से पता लगाया कि सड़न के कारण थे बैक्टीरिया जो हवा के द्वारा अंगूर के रस में पहुंच जाती थी। तो ये लेख पढ़कर डॉक्टर लिस्टर चौंक पड़े। हाँ, उन्हें लगा अगर जीवाणु अंगूर के रस में जाकर सड़न पैदा कर सकते हैं तो ये ऐसा खुले घाव के अंदर जाकर भी कर सकते हैं। हाँ। उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि मवाद पड़ने या इन्फेक्शन के पीछे यही कारण था। अच्छा अच्छा। हाँ बेटा। फिर उन्होंने क्या किया? तो फिर डॉक्टर लिस्टर ने सुना कि गंदी नालियों की दुर्गंध मिटाने के लिए फिनाइल का छिड़काव किया जाता है। किया जाता है ना, अभी किया जाता है जी। हाँ, तो बस उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में फिनाइल का छिड़काव शुरू करा दिया। साथ ही मरीज के घाव की सफाई और पट्टियां उबालने पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। तो उस समय क्या सफाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था? हाँ बेटा, पुराने समय में सर्जन यानी शल्य चिकित्सक कपड़ों तथा हाथों को साफ किए बिना ही ऑपरेशन करते रहते थे। अच्छा। हाँ, साथ ही घाव पर पट्टियां बांधने के लिए पुराने फटे कपड़ों का उपयोग किया करते थे। छी, पुराने कपड़े? हाँ, और तो और ऑपरेशन के औजार भी यूं ही खुले पड़े रहते थे। अच्छा। हाँ, दरअसल तब गंदगी से इन्फेक्शन फैलने की बात लोगों को पता ही नहीं थी। अच्छा, तो ये बात थी। हाँ बेटा। और जब से डॉक्टर लिस्टर ने ऑपरेशन थिएटर में सफाई के नए वे कड़े नियम लागू किए, तब से सर्जन साफ कपड़ों में और हाथ साफ करके ऑपरेशन करने लगे। हाँ, इसी तरह मरीज के पास लोगों के बार बार आने जाने पर भी रोक लगा दी गई। अरे वाह। हाँ, तब तो डॉक्टर लिस्टर का नाम मशहूर हो गया होगा ना। हाँ बेटा, लेकिन कुछ डॉक्टरों ने उनका विरोध भी किया। लेकिन डॉक्टर लिस्टर के अस्पताल में जब इन्फेक्शन से होने वाली मौतों की संख्या में काफी कमी आ गई, तब सब जगह डॉक्टर लिस्टर की इस बात को मान्यता मिल गई। किस बात को? इस बात को कि खुले घाव पर हमला करके रोगाणु ही इन्फेक्शन फैलाते हैं। हाँ, जो कि गंदगी के कारण पैदा होते हैं बेटा। अच्छा। तब लोगों ने सफाई पर ध्यान देना शुरू किया। हाँ? तभी अस्पतालों में सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हाँ हाँ बेटा। हाँ, वैसे स्थिति में धीरे धीरे सुधार होता गया। बैक्टीरिया से लड़ने के लिए नई नई दवाइयों की खोज भी होती रही। तो इस परिवर्तन का श्रेय डॉक्टर लिस्टर को जाता है। हाँ भाई, पहला कदम तो उन्होंने ही उठाया था।
ओ, तभी आपने उस घाव को साफ करके उस पर पट्टी बांधी थी। तन्नु बिटिया जी, मुझे लगता है कि आप मुझसे भी बड़ी डॉक्टर बनेगी। हाँ, आपसे भी बड़ी, सफेद बाल, चश्मा लगाए। अच्छा बाबा, तुम बच्चा डॉक्टर बन जाना। ये ठीक है। हाँ तो बच्चों, बातों ही बातों में तनु ने अपने नाना जी से सीखी कितनी ही नई नई बातें। क्यों, तुमने भी सीखी ना? तो भाई, इसके बारे में अपने साथियों से भी चर्चा करना। बच्चों, आज का ये कार्यक्रम डॉक्टर यतीश अग्रवाल की चिकित्सा विज्ञान की कहानियां नामक पुस्तक से ली गई एक कहानी पर आधारित है। एक बड़ी जीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विशेष संयोजन डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आलेख देवेंद्र कुमार, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार नीतू झांजी, जयमिनी कुमार, सतीश कक्कड़ और मिताली, ध्वनिंकन दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना हरिमर्दन।